अगर आप ऑटो वाले से पूछ रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपको लूट लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जबकि जहाँ का किराया था 20 रुपये, हमको देने पड़े 50 रुपये। अगर आप आना चाहते हैं पूना तो आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब पैसे वैसे ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें। हे गाइस, गुड इवनिंग और वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपसे शेयर करने जाने वाले अपने पूना ट्रिप की, ठीक है। ट्रिप नहीं, मतलब ट्रेनिंग के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे पूना भोपाल से। तो बात है कल परसों रात की, ठीक है, 21 को 3 बजे भोर में। तो हम निकले भोपाल से पूना के लिए, तो टिकट तो था नहीं हमारे पास, क्योंकि कंफर्म टिकट मिल नहीं रहा था। तो हमने लिया जनरल टिकट, ठीक है, गोवा का था, जो पड़े हमारे 270 रुपये के। तो हम बैठे जनरल लेके स्लीपर में घुसे, क्योंकि जनरल में तो हम जाते नहीं, स्लीपर में घुस जाते हैं। तो इधर उधर देखने के बाद एक कोने में सीट मिली अंकल के पास, ठीक है। उसकी वजह मैंने, अंकल थोड़े छोटे थे, साइज उनका छोटा था, तो उनके पास मैं उनके पैर के पास बैठ गया। तो 4 घंटे के बाद बैठने के बाद 4-5 घंटे बैठने के बाद हमें वो अंकल जब नीचे बाथरूम वाथरूम करने के लिए आए, तो मतलब नीचे बैठे वो नाश्ता वास्ता कर रहे थे, तो हमें 2-2.5 घंटे मिल गए सोने के लिए। तो हम 2-2.5 घंटे मतलब उन्हीं के सीट पर सो गए। उसके बाद भाई साहब हम तो खाए नहीं थे, तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो बिना ब्रश किए हमने पहले इडली खाया, नहीं पहले बड़ा पाव खाया, वो भी छोटे छोटे बड़ा पाव, 15 के एक दिया, 30 का 2 लिया, वो भी मतलब मज़ा नहीं है, मतलब ऐसे पेट भरने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना पेट में। उसके बाद 4 बजे करीब में आया इडली हमारे पास, तो वो भी 30 रुपये दिया था 3, वो भी छोटे छोटे इडली और नारियल की चटनी। और इडली हम कम से कम 10-12 साल बाद खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इडली खाए नहीं है गाँव में ना, तो मुंबई में जब थे तभी खाए थे। और एक बार हमारे अंकल के पिताजी हैं बगल में, उन्होंने पाया था, एक बार हमने खाया था। उसके बाद हम आए पूना, तो पूना से 2 किलोमीटर आउटर पर ट्रेन भाई साहब 1 घंटे के लिए रुक गई, समझ लीजिए, मात्र उतना देर हम पैदल चले जाते पूना, लेकिन 1 घंटे के लिए वहाँ पर ट्रेन रुक गई। फिर उसके बाद पूना निकलने के बाद, और हाँ भाई, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ज़िंदगी में थोड़ा तो कभी ना कभी आपको काम आएगा। अगर आप ऑटो वाले से पूछ रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, कोई ऑटो वाला अच्छा तो वो बताता है, कुछ वो होते हैं वो आपको लूट लेंगे अच्छी तरह, ठीक है। तो हम पूना जंक्शन से जब बाहर निकले, तो हमको नगीडी के लिए बस पकड़ना था, जो पूना से 18 किलोमीटर है। तो हम गए एक ऑटो वाले से पूछे, तो वो बोल रहा है कि मतलब 4 किलोमीटर है, आपको कॉरपोरेशन जाना पड़ेगा और 100 रुपये लगेंगे। हम बोले कि ये क्या बात हुई भाई, कॉरपोरेशन के लिए 4 किलोमीटर और आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने गूगल पर सर्च किया था, तो जस्ट वहीं से मतलब 1 किलोमीटर बाहर से आपको बस मिलने वाली थी। तो आदमी जब नया नया रहता, तो थोड़ा कहीं जाने में थोड़ा दिक्कत ना लगता है जी, दिक्कत तो होती नहीं, मिल ही जाता है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद हम निकले, तो फिर एक लड़का ही था, तो ऑटो वाले उससे पूछे कि मतलब बस कहाँ से मिलेगी नगरी, तो उसने बताया कि वहाँ से बस। उसके बाद हम बाहर गए, तो एक ठेले वाले से पूछे, तो मतलब जस्ट वहीं पर लगने वाले थे, 5 मिनट बाद खुलने वाले थे नगरी के लिए बस। यहाँ पर जैसे भोपाल में चलती है ना रेड बस, वहाँ भी सरकारी बसें चलती है। तो हम बस में गए बैठे और वहाँ से नगरी के लिए निकले, और नगरी का मात्र किराया 30 रुपये था, ठीक है ना। तो कुछ मराठी बोलते, मेरे को तो मराठी समझ में आ नहीं रहा था, तो फिर हिंदी में बोल रहे थे, मतलब हम बात किए तब हमको समझ में। उसके बाद भाई साहब नगरी उतर, नगरी से हमको जाना था टावर लाइन साने चौक, ठीक है। तो साने चौक से 200 मीटर इधर उधर है, टावर लाइन के लिए हम नगरी से उतर के ऑटो पकड़े, तो उसको बोले थे हमें टावर लाइन जाना है। तो वो लाया कि ये मतलब पहले से बंदा घुमा हुआ था, मेरे को रोक देगा, ठीक है, ऑटो वाला, उसकी भी गलती नहीं थी। वो मेरे को टावर लाइन की जगह 4-5 किलोमीटर और आगे लेके चला गया भाई साहब। तो मैं जब बोला कि यही टावर लाइन है, तो बोला कि अरे यार पागल हो क्या, तुम्हें बोला नहीं चाहिए था, टावर लाइन तो बहुत पीछे चला गया। तो जबकि जहाँ का किराया था 20 रुपये, हमको देने पड़े 50 रुपये, तो 20 रुपये उसको दिए। फिर उधर से रिटर्न आया था, 30 रुपये लगा मेरे को। फिर आकर टावर लाइन उतरा, फिर टावर लाइन से यहाँ आने के बाद, तो जिनके मतलब पास में आया था, तो उनके रूम पे जगह नहीं थी, क्योंकि फैमिली वाले आए थे, ठीक है, उनके पास, ठीक है ना। हमको 1 महीने ट्रेनिंग के लिए रुकना है, 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जाम आएगा कॉलेज का तब जाएंगे हम। तो उसके बाद भाई साहब हमें पीजी बुक करना पड़ा, रूम का तब पूछा हमने, तो रूम का किराया 4,045 रुपये थे, अब मतलब कोई गत का रूम नहीं था, मतलब बहुत बेकार रूम। उसके बाद पीजी बुक किया भाई साहब, पीजी में बोला 6,000 रुपये महीने के लगेंगे, ठीक है ना, और 3,000 रुपये एडवांस, क्योंकि आप मतलब जब रूम छोड़ेंगे तो 2,000 रुपये हमको रिटर्न हो जाएगा, 1,000 मेंटेनेंस है, जो सफाई पे, मतलब इससे नहीं होता कि कोई लड़के कचरा फैला के चले देता, हमें तो भाई जानते हैं साफ सफाई से मतलब रहता है। उसके बाद हमने पीजी बुक किया, तो उसके बाद हमें ये रूम मिला, पता नहीं अभी इस रूम में रहेगा, तो बोले कि तुमको बगल में सेट कर लेंगे, मतलब 3 शेयरिंग रूम है। तो एक दोस्त यहीं पे है मेरे में, तो वो भी छपरा का ही है, हम सिवान के हैं, तो मतलब मुलाकात थी कुछ, रात को बातचीत हुआ। तो अभी मैं गया था, मतलब जो इनके साइड आया, तो वो सिविल इंजीनियर है, तो उनके साइड पर गया था, तो 2-3 घंटे घुमा मैं वहाँ पे। उसके बाद मैं रूम पे आ गया, क्योंकि हमें मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, हमें जाना है अपने कंपनी में ना, मैकेनिकल में। तो बोले कि सुबह 8 बजे उठे तुम जाते हो, हमारे तो 2 रात सोए नहीं थे, मैं तो थकान हो गई थी मेरे को, तो यहाँ पे आके सो गया। तो मतलब 8 बजे तक मैं सोकर उठा, तब तक वो चले गए थे, उनका मीटिंग था आज कोई। तो फिर हमें मतलब नाश्ता यहाँ पे मिलता है 8 बजे से लेकर 9:40 तक, ठीक है। फिर आपको नहीं नाश्ता, फिर आपको लंच मिलेगा 1 से लेकर 2:30 बजे तक, और फिर आपको मिलेगा खाना रात का डिनर 8 बजे से लेकर 9:45 तक। तो 2 हमने कर लिए, 1 रात को अब करेंगे। अभी मैं घूम कर जस्ट आ रहा हूँ, जींस वंस पहने ही हूँ,
और आपको अपना रूम दिखा दे रहा हूँ। लेटरिन के बाथरूम अच्छा है, इंग्लिश लेटरिन है, ठीक है। हमें तो आती है इंग्लिश लेटरिन करने, नहाने वाने के लिए, कपड़े धोने के लिए आपको वॉशिंग मशीन में दिया गया, और बिजली बिल दिए तो पीजी में सब इंक्लूड रहती है, यहाँ पर बिजली बिल नहीं लगता। आपको अपना रूम दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, और बाहर का व्यू दिखा दे रहा हूँ। गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। कुछ दोस्तों ने मतलब बाहर लोगों ने बाहर ये पता नहीं किसका बैग है, ये अपने कपड़े टांगे हुए हैं, वो दोस्त का हमारे रूम पार्टनर का, ये अलमीरा दिया हुआ है, पता नहीं अलमीरा में क्या है क्या नहीं है, ये पता नहीं किसका है भाई साहब, हमें तो पता नहीं है। तो मतलब दो लोग रहेंगे तो दो लोगों के लिए अलमीरा, और ये पता नहीं कि ये तो हमारे रूम पार्टनर का बेड है, और ये उसका बैग हुआ है, और ये मेरा बैग, और ये मेरा बेड, और ये पता नहीं किसका है भाई साहब। ये लेटरिन बाथरूम आपको जो है वो क्या दिखाई देती है, लेटरिन बाथरूम ये भी अच्छा ही है। उसके बाद आपको हम बाहर का व्यू दिखाते हैं भाई साहब, ये रहा बाहर का व्यू, खोलो जी, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं ना। अगर आप आना चाहते हैं पूना तो आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब पैसे वैसे लेकर, क्योंकि मेरे पास 2,000 रुपये बचे हुए थे, तो मैंने फिर जो हमारे साथ थे उन्होंने मेरा पैसा दे दिया पीजी का, तो मैंने घर से मम्मी से पैसा मांगा तो उनको देना है, और फिर पीजी वाले 3,000 रुपये और देने, ठीक है ना। तो भाई साहब पूना आना है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें हैं, ठीक है, रूम तो बहुत महंगा है, और रूम लेना चाहते हैं तो आप फ्लैट ले सकते हैं। अच्छा फ्लैट लेंगे तो 7,000, 7,500, 8,000 रुपये का फ्लैट पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये दोस्त बता रहा था मेरा जो बगल में रहता है रूम पार्टनर, तो बोल रहा है कि एकदम कचड़ा कचड़ा 5,000 के रूम पड़े हुए थे पी लेंगे, बहुत ही कचड़ा रूम था, और यहाँ पता नहीं सुबह नाश्ते में दिए हुए थे भुजा हुआ चावल और ये मैगी, क्या बोलते उसको अपने साइड में जो चौमिन बिहार में बोलते, वो मिला हुआ था, तो ऐसे ही नाश्ता किया। देखते हैं क्या क्या चिकन वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी तो भाई दिक्कत ही है ना, सब देख कर चलना पड़ता है हम लोगों को। कोई नहीं, 1 महीना रुकेंगे, उसके बाद एग्जाम वगैरह चलेंगे, अगर अच्छा लगेगा काम करेंगे तो फिर एग्जाम देकर आ जाएंगे हम। अब होली का तो प्लान बना नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब लाइफ में भी तो कुछ करना है ना, बहुत इन्जॉय कर लिए, अभी इन्जॉय कर कहाँ लिए हम भाई, अभी तो स्कूलिंग कॉलेज लाइफ बहुत कुछ करना है बाकी, अभी भाई साहब अभी तो ऐसा लगता है ज़िंदगी शुरू ही नहीं, अभी ज़िंदगी शुरू हो रही है, ठीक है, बच्चे से बचपन जैसा शुरू होता है वैसे भी हुई, अभी बहुत सफर थे, 20 साल उम्र ही हुआ, 21 साल, 60 साल जीना है ना, 60-70 साल, 100 किधर नहीं मरने वाले हम, तो आपको 100 साल तक ब्लॉग मिलता रहेगा हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके आप वीडियो रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। अब जाते हैं हम थोड़ा सा आराम करेंगे, हमें लग रही नींद, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत, भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं चद्दर उधर लेके आया था ओढ़ने के लिए, आप जैकेट वैकेट लेके आया, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, यहाँ पे पंखा चलाकर रात को सोना पड़ रहा है, और इतना सब भीड़ है, मतलब उतने अच्छे से हम सो नहीं पा रहे हैं जितना, मतलब ऐसा फैल जाए ना, मतलब उलट पुलट के सोने का, उतना अच्छे से सो नहीं पा रहे, ठीक है। तो अपनी स्टोरी हमने पूना की शेयर कर दी, अब कंपनी में जाएंगे तो मोबाइल अलाउड होगा, तो वहाँ का भी आपको वीडियो मिलेगा, सोचे कि वहाँ वीडियो बना ले, जहाँ पर हम गए थे सिविल लाइन के पास, जहाँ पर काम होता है, लेकिन ठक पिट बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, तो सेटरिंग खुला हुआ था ना, सब एल्युमिनियम के थे, सब बहुत ही बोता रहे, बहुत ही कॉस्टली है, पूरा का पूरा एल्युमिनियम का था, वो क्या कि आप उसे बेच भी सकते हैं तो अच्छा खासा आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर बेच नहीं सकते थे। एक बात की, एक मराठी सोलापुर के थे साइड इंचार्ज, तो दोस्ती उस्ती हो गई तो बढ़िया है, और वहाँ पर जितने भी काम करे थे एमपी के थे और छत्तीसगढ़ के काम करने वाले थे, तो कोई नहीं, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि और एक और बात हमको बता दें, क्योंकि मेरी कंपनी जो है बंद है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, क्योंकि कोरोना के बाद यहाँ पे ये नियम लगे कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, 5 ही दिन आपको काम करना है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट, क्या बोले अभी तो 5 बजे रहे, ठीक है ना, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।